दोस्तों, तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। आना चाहें तो आ सकते हैं। तो चलिए हम नीचे की ओर चलते हैं गाइस। कैसे फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज हम आपको दिखाते हैं कि हल्द्वानी रोड पे लैंडस्लाइड हुआ ही नहीं हुआ है, तो हम आपको दिखाएंगे। काफ़ी लोग जो है मेरे सब्सक्राइबर कह रहे हैं कि भैया रास्ता सफा है नहीं हल्द्वानी का, तो मैं आज नैनीताल से और हल्द्वानी के बीच के रोड की सारी आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ पर हल्का हल्का लैंडस्लाइड हो रखा है। पर ऐसा कुछ है नहीं, रोड बिल्कुल सफा है और थोड़ा सा ना काम चल रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके का काम चल रहा है, पाइप वगैरह डल रही है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हल्द्वानी में किस तरह का गर्म मौसम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस हल्द्वानी के ओर। तो आप लोगों को दिखाते हैं कि हल्द्वानी का रोड बने है, खुला है। तो आप ही के लिए स्पेशल जो गाइस मैं जा रहा हूँ, और काफ़ी जो है सब्सक्राइबर बोल रहे हैं भैया नैनीताल का रोड बने है बने, पर ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि रोड बिल्कुल जो है क्लियर है, तो आप लोग आ सकते हैं। तो थोड़ा सा रात को जो है ना रोड बंद कर दी जाती है 8 बजे से सुबह 5-6 बजे तक के लिए, वो इस कारण क्योंकि वहाँ पे जो है थोड़ा काम पाइपलाइन बिछरी है, तो उसी के कारण जो थोड़ा रोड बंद कर दी जाती है। तो रोड बंद नहीं है, पर आप इधर से बाईपास से घूम के जाना चाहो तो जा सकते हो। मैं बाईपास का आपको रास्ता दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं रोड की। To the last 10, I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. रात को 8 बजे रोड बंद हो जाती, तो इस रोड से जो ना ऊपर को जाने नहीं दिया जाता। तो यहाँ से जो है नैनीताल 8 किलोमीटर दूर है, तो अगर आपको इधर से रास्ता नहीं है तो आप इधर के ओर से आ सकते हैं। जैसे ये दिख रहा है ना, नैनीताल यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, वो सामने मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वाला जो रास्ता है लॉन्ग रास्ता है, तो इस रास्ते से आपको रात को ही इसी रास्ते से जाना पड़ेगा, क्योंकि ये रास्ते में जो रात को काम चल रहा है तो आप देख रहे होंगे बजरी बजरी नज़र आ रही है, तो इस रास्ते से आपको रात को नहीं जाने दिया जाएगा। तो यहाँ से ज़्यादा नहीं, 7 किलोमीटर दूर का थोड़ा सा डिस्टेंस आपको ज़्यादा पड़ेगा। ये देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है, इधर से जाएंगे एरो दिख रहा है ना, नैनीताल 15 किलोमीटर दूर, इधर से जाएंगे अपना वाटरफॉल होते हुए सीधे नैनीताल को हो जाएंगे आप। तो यहाँ से पड़ेगा आपको 15-15 किलोमीटर दूर, तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 15 किलोमीटर दूर का डिस्टेंस है। तो इसे यहाँ पे अगर सीजन में भी आओगे ना, तो आपको यहीं पे गाड़ी खड़ी कर दी जाती है, यहाँ पे पार्किंग वगैरह रोक दिया जाता है। तो यह हल्द्वानी को रोड जा रहा है, हल्द्वानी से आपको इधर से नहीं जाने दिया जाएगा। दिन में तो आप लोग जा सकते हो, अभी आपको जाना, देखिएगा गाड़ी आ भी रही हो जा भी रही है, अभी तो आप आ भी सकते हो जा भी सकते हो। पर रात को जो है ये बस रोड पे ना पाइपलाइन डला है, तो काम चल रहा था, इसलिए इस रोड पे ज़्यादा रात को नहीं जाने दिया जाता है। तो आप इस रोड से होते हुए जाएंगे, या फिर बाय भीमताल होते हुए अगर आपको जानकारी है तो उधर से भी होकर आ सकते हैं। तो अभी हम देखिएगा नीचे और जा रहे हैं, हमें जाना है हल्द्वानी। तो आप लोगों को पूरी रोड की जानकारी दे देता हूँ। तो मैंने आज सोचा खाली था, तो इसलिए मैंने आपको सोचा कि भाई लोगों को अपने सब्सक्राइबरों को जानकारी देता हूँ। तो चलिए चलते हैं नीचे की और आपको आगे की जानकारी और देंगे। एक नंबर बैंड पे जहाँ पे नैनीताल से 14 किलोमीटर दूर की दूरी में है, तो यहाँ पे देखिए बोर्ड भी लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से 15 किलोमीटर दूर, वैसे 14 है, यहाँ पे थोड़ा अगर नैनीताल जैसे है ना, अगर मल्लीताल जाएंगे तो 15 किलोमीटर थोड़ा नैनीताल के एंट्री जो है
14 किलोमीटर दूर है। तो ये अपना जो है नैनीताल से आ रहा है तो हल्द्वानी की ओर जा रहा है, अगर भवाली जाना है तो भवाली के लिए सीधा रोड गया है। तो यहाँ पर देखिए अभी तक कोई भी हमें रोड बिल्कुल ख़राब नहीं मिली है, बिल्कुल सफ़ा रोड है। अगर जहाँ पर रोड ख़राब मिलेगी वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो अभी हम हल्द्वानी के लिए जा रहे हैं, तो रात को अगर जैसे रोड बंद होती है ना तो आप लोग इधर से भी जा सकते हो भवाली होते हुए नैनीताल। यहाँ से ना सीधा भवाली से पहले 2 किलोमीटर दूर जो लेफ्ट को जो रोड गए हैं वहाँ से आपको लिखा हुआ अलग ही दिख जाएगा, पूरा बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ बोर्ड बना हुआ, जैसे बोर्ड बना हुआ ना, ये जैसे ये बोर्ड बना हुआ इस तरह का बोर्ड बना हुआ है। तो चलिए हम चलते हैं हल्द्वानी को, तो आगे भी देखते हैं गाइस रोड बंद है खुला हुआ वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ठीक है चलिए चलते हैं आगे की ओर और देते हैं जानकारी आपको। तो गाइस देखिए हम पहुंच गए हैं भज्जी भुट्टे वाले, तो काफ़ी यहाँ पे फेमस हैं भज्जी भुट्टे वाले। तो आप जैसे नैनीताल से हल्द्वानी के लिए आ जाएंगे तो सबसे पहले जो हमारे लोकल का आदमी जो यहाँ रुकता है सबसे ज़्यादा रुकते हैं भुट्टे खाने के लिए। तो भुट्टा कुछ इस तरह का स्पेशल है, तो आप नेट पे भी सर्च करोगे तो हमारे भज्जी भुट्टे वाले ही फेमस आएंगे। तो आइए हम आप भज्जी से पूछवाते हैं कि भज्जी कितने साल हो गए आप लोगों को भुट्टे लगाते हो। तो भज्जी आपको यहाँ पर भुट्टे बनाते हो कितने साल हो गए? यहाँ पर 15 अगस्त 1988 से भज्जी भुट्टे बेचते हैं, और ये भुट्टे जो है इनके 10 बजे से स्टार्ट होते हैं और 5 बजे सारे भुट्टे इनके ख़त्म हो जाते हैं। तो अभी भी देखिए काफ़ी जो है भुट्टे इनके ख़त्म हो चुके हैं, कितने चक्कर आपको किसी भी दुकान पे इतना रस नहीं मिलेगा जितनी इनकी दुकान पे रस मिलता है। और काफ़ी जो है भीड़ भी लगती है और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर सिर्फ ये भुट्टे खाने आते हैं। तो भुट्टे में क्या क्या लगाते हैं? बटर लगाते हैं, चटनी लगाते हैं, ये चटनी है लगाते हैं, और सबसे मेन चीज़ है बटर। तो ये बटर लगाते हैं, तो इसी के लिए हम रुके हुए हैं और हम खाते हैं एक भुट्टा, और उसके बाद देखते हैं अगर उसके बाद रोड मन करेगा तो वो भी खाएंगे। तो चलिए चलते हैं, तो खाते हैं स्टार्टिंग के लिए। तो गाइज मैंने जो है 4 भुट्टे खा चुका हूँ, यह है 5वां भुट्टा। तो भुट्टा खा के अब चल दिया जाए ये अपनी गाड़ी, अब गाड़ी स्टार्ट करके इसके बाद निकलते हैं। ये भज्जी अपना लिखा हुआ देख सकते हैं कितना पुराना है, ये 1988 भी लिखा हुआ 15 अगस्त से, कितना पुराना भुट्टा है ये सकते हैं। तो अभी हमें चलना है हमारी बाइक में, तो अभी बाइक लेके हमें निकलना है नीचे को, और वो भुट्टा खाता हुआ जाऊँगा और मनोज अपनी गाड़ी चलाता हो जाएगा। तो चलते हैं निकलते हैं गाइस। तो गाइस हम आपको एक चीज़ और दिखाने वाले हैं जो हल्द्वानी से और नैनीताल के बीच में पड़ती है, वो क्या है वो दिखाते हैं। बहुत ही जो कस्टमर पूछते हैं वाटरफॉल वाटरफॉल, तो मैं आपको दिखाता हूँ वाटरफॉल। तो चलिए लेके चलता हूँ मैं वाटरफॉल के पास, तो आइए। वाटरफॉल है, ये देख सकते हैं, आप लोग नहाना चाहे तो यहाँ पे नहा भी सकते हैं। कोई भी इसमें रोक टोक नहीं कि आपको कोई नहाने से मना करेगा, पर जिम्मेदारी आपकी होगी क्योंकि यहाँ पे देखिए पत्थर जो है बहुत, इसमें काई जमा भी है, तो आपके पत्थर पैर जो है स्लिप कर सकते हैं। तो आराम से अपना आइए और यहाँ पे से घूमिएगा। तो अभी हम हल्द्वानी के नीचे के जा रहे हैं और नैनीताल से हम ऊपर से आ रहे हैं। तो चलिए नीचे की ओर चलते हैं। तो मैंने सोचा आज गाइस अपने सब्सक्राइबर को नैनीताल से और हल्द्वानी के बीच में एक वाटरफॉल दिखाते हैं कि किस तरह का वाटरफॉल में देखिए, और इसमें कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसा नहीं देना है आपने। और यहाँ पे देखिए काफ़ी जो है टूरिस्ट भी यहाँ पे घूमते हुए नज़र आ रहे हैं, लड़के लड़के, ये देख सकते हैं आप लोग किस तरह का, देखिएगा बहुत ही शानदार जो है वाटरफॉल बनाया गया है गाइस, और बहुत ही बढ़िया, देख कहाँ से पानी आ रहा है ये भी आप लोग देख सकते हैं गाइस। और यहाँ पर लग रहा है लड़के लोग जो है नहाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा वाटरफॉल चल रहा है, तो इसलिए मुझे लगता है ये लोग नहाने के लिए तैयारी कर रहे हैं।
और यहाँ देख सकते हैं किस तरह का पानी नीचे को तेज़ी से जाता हुए नज़र आ रहा है। ये देख सकते हैं दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नीचे को, और काफ़ी हमें लेट हो जाएगा अभी वापस भी आना, बारिश भी पड़ सकती है। तो मैंने अपने सोचा अपने सब्सक्राइबर को कुछ यूनिक जगह दिखा देता हूँ। तो यही है अपनी यूनिक जगह वाटरफॉल, और काफ़ी शानदार वाटरफॉल चलते हुए नज़र आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। हम नैनीताल से दो गांव से नीचे पहुंच चुके हैं, पर यहाँ से जो गाइस लोग वर कह रहे थे ना रास्ता बने, ऐसा कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा जो लैंडस्लाइड हुआ था यहाँ पे देख सकते हैं, पर अब जो है पूरा रोड जो है क्लियर कर दिया गया है। तो यहाँ पे जैसे ना तुरंत अगर हल्का फुल्का लैंडस्लाइड होता है तो रोड जो है बिल्कुल एकदम सफ़ा कर दी जाती है। तो देख सकते हैं पूरा जो रोड है बिल्कुल जो है मलुआ साइड को कर दिया गया है, और यहाँ पे देखिएगा बिल्कुल जो है गाड़ियाँ आ भी रही हैं जा भी रही हैं। ये देख सकते हैं ये नीचे को हल्द्वानी को जा रहा है और ये अपना नैनीताल को ओर जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि गाड़ियाँ आती जाती भी दिख नज़र आ रही होंगी आप लोगों को, और मलुआ जो है सारा साइड हो चुका है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग आराम से घूमना आना चाहें तो आ सकते हैं, नो टेंशन हो के। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर रोड गिर रही है वो गिर रही है, तो किसी की बातों में मत आइए। पहले जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो देखिए, और नैनीताल बेफिक्र होकर अपना घूमने आ जाइएगा। और मौसम भी आज जो है बिल्कुल सफ़ा है, और ऊपर जो है नैनीताल में थोड़ा सा फॉग लगा हुआ है थोड़ा कोहरा, पर इधर को जो हल्द्वानी में थोड़ा बिल्कुल सफ़ा आपको रास्ते में सफ़ा मिलेगा। तो हल्द्वानी में तो थोड़े बहुत एक आध घंटे बारिश वगैरह इस तरीके की पड़ती रहती है, कभी रुक जाती है कभी पड़ जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए गाड़ी सारी जो है नैनीताल को ओर जा रही हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो हम जा रहे हैं नीचे हल्द्वानी को, और तो देखिए लगातार जो है गाड़ी ऊपर जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि रोड बंद है, रोड जो है सारी खुले हुई हैं अभी नैनीताल की। ये देखिए यूपी बरेली जा रही हैं, और ये पिथौरागढ़ की जा रही है, वो जा रही है यूके भी इस अपना गढ़वाल साइड की गाड़ी जा रही है। तो आप लोग देख सकते हैं नो टेंशन होकर अपना घूमने आना चाहें तो आ सकते हैं। तो चलिए हम नीचे की ओर चलते हैं गाइस। नैनीताल से हल्द्वानी की पूरी रोड बता दी है कि कोई भी लैंड स्लाइड नहीं हो रखा है। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ काड़ू गाँव, तो काड़ू गाँव पे जो मेरा काम था वो काम करके मुझे जाना फिर रिटर्न। तो मैंने आपको पूरे डाटा पूरे अपडेट दे दिए कि कोई रोड बंद नहीं है, आप आराम से नैनीताल घूमने आ सकते हो। तो मैं अभी कहाँ पर खड़ा हूँ, जहाँ पर गोला नदी है ना वहाँ पर खड़ा हूँ। नदी कब कितनी तेज़ चल रही है ये देख सकते हैं आप, कितनी तेज़ चल रही है, और काफ़ी तेज़ चल रही है गाइस, क्योंकि इसमें पहाड़ों में ना बहुत ही तेज़ बारिश पड़ रही है। तो चलिए आज के ब्लॉग को करते हैं गाइस पूरा एंड, और ब्लॉग जो पूरा हो चुका है तो करते हैं बाइक ब्लॉग को जो चाहिए गाइस। बाय बाय।